नमस्कार मैं हूं शशि आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि कोरोना का एक टीका अगले साल की शुरुआत तक उपलब्ध हो सकता है फिर भी सभी तक पहुंचने में समय लगेगा बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा कि भारत भी अन्य देशों की तरह ही वैक्सीन बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है हमें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में भारत में वैक्सीन उपलब्ध होगा झारखंड मौसम विभाग के अनुसार राज्य में गर्मी बढ़ गई है उमस भरी गर्मी से आम जनता परेशान है विभाग ने 18 सितंबर को वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है बता दें कि पिछले 24 घंटा के दौरान दुमका में वज्रपात से दो लोगों की मौत हुई है विभाग ने 18 सितंबर को उत्तर और मध्य झारखंड में वज्रपात की आशंका जताई है शिक्षा मंत्री ने मैट्रिक इंटर में बेहतर प्रदर्शन करने वालों के लिए खरीदी दो अल्टो कार एक बाइक और तीन साइकिल झारखंड के शिक्षा मंत्री ने दो अल्टो कार एक मोटरसाइकिल और 300 साइकिल खरीदी है वह वा अपना वादा निभाने वाले हैं बता दें कि मंत्री ने जैक की ओर से परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए कहा था कि टॉपर्स को अल्टो कार देंगे श्री महतो ने यह भी घोषणा की थी कि मैट्रिक की परीक्षा में बोकारो जिला के अलावा अपने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थी जो मैट्रिक की परीक्षा में पचहत्तर से ज्यादा अंक लाएंगे उन्हें साइकिल गिफ्ट करेंगे श्री महतो ने कहा है कि 23 सितंबर को रांची में 303 छात्रों के बीच पुरस्कार का वितरण किया जाएगा जो झारखंड विनोद बिहारी महतो की जयंती पर आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा झारखंड में एक हजार छब्बीस नए संक्रमितों की पुष्टि हुई जो बोकारो से तैतीस छात्रा नौ देवघर छब्बीस धनबाद पैंतालीस दुमका तेरह पूर्वी सिंहभूम एक सौ चौरासी गढ़वा इक्कीस गिरिडीह बारह गोड्डा छह गुमला इकतालीस हजारीबाग एक सौ सत्रह जामतला चौदह खुट्टी बावन कोडरमा सताईस लातेहार सोलह लोहरदागा बीस पाकुड़ एकसठ पलामू अड़तालीस रामगढ़ तेईस रांची दो सौ नौ साहिबगंज सात सरायकेला पच्चीस सिमडेगा तेरह पश्चिमी सिंहभूम से उनसठ मिले हैं झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या सड़सठ हज़ार एक सौ है जबकि बावन हज़ार आठ सौ सात लोग स्वस्थ हुए और पाँच सौ नब्बे की मृत्यु हो गई भारत में कुल संक्रमितों की संख्या बावन लाख बारह हज़ार छः सौ छियासी है जबकि इकतालीस लाख नौ हज़ार आठ सौ अट्ठाईस लोग स्वस्थ हुए और चौरासी हज़ार चार सौ चार की मृत्यु हो गई भारत में नए केस छियानवे हजार सात सौ बानवे मिले हैं जबकि सतासी हजार सात सौ अठहत्तर लोग स्वस्थ भी हुए हैं झारखंड में गुरुवार को ग्यारह की मौत हुई है जो धनबाद से दो दुमका से एक पूर्वी सिंहभूम से पांच रांची से दो और पश्चिमी सिंहभूम से एक सम्मिलित हैं गुरुवार को चौदह मरीज स्वस्थ भी हुए हैं स्वस्थ मरीज इस प्रकार हैं बोकारो से 21 देवघर 29 धनबाद बानवे दुमका एक पूर्वी सिंहभूम से दो गढ़वा 41 गिरिडीह अठारह गोड्डा इक्कीस गुमला पैंतालीस हजारीबाग तैंतीस जामतला पाँच खूटी पाँच कोडारमा सत्तर लातेहार उनचालीस रामगढ़ एक सौ ग्यारह रांची चार सौ छियालीस एक सौ चार सिमडेगा आठ पश्चिमी सिंहभूम से अंठानवे मरीज स्वस्थ हुए हैं संक्रमण से स्वस्थ हो चुके मरीजों को पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने राज्य के सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर कोरोना से स्वस्थ हो चुके मरीजों को पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है कहा गया है कि कई मामलों में देखा गया है कि कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद भी कई मरीजों में कमजोरी बदन दर्द खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिख रहे हैं इस पर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है ताकि जरूरी कदम उठाए जा सके बता दें कि नए प्रोटोकॉल में संक्रमण मुक्त हो चुके लोगों को चौवन परास खाने हल्दी दूध पीने योग और घूमने की सलाह दी गई है झारखंड में छियालीस सौ पैंतालीस पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी पॉजिटिव बारह की मौत झारखंड में साढ़े चार हज़ार पुलिस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इसमें चार हजार से अधिक पुलिसकर्मी स्वस्थ हो चुके हैं जबकि बारह पुलिसकर्मी की मौत हो गई है बता दें कि झारखंड के छियालीस सौ पैंतालीस पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिसमें बयालीस सौ चालीस पुलिस पदाधिकारी व कर्मी स्वस्थ हो चुके जबकि बारह पुलिसकर्मियों की मौत हुई है झारखंड में कुपोषण दूर करने के लिए दीदी बाड़ी योजना शुरू झारखंड के ग्रामीण और गरीब परिवार को पोषण युक्त भोजन मिले इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग झारखंड ने मनरेगा के तहत पूरे राज्य में दीदी बाड़ी योजना शुरू करने का निर्देश दिया है बता दें कि इस संबंध में मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने राज्य के सभी डीसी और डीडीसी को पत्र लिखा है इसके तहत अपने घर के आस की जमीन में अपने परिवार के पोषण की आवश्यकता के अनुसार एक से पाँच डिसमिल जमीन पर पोषण युक्त सब्जी समेत अन्य फसल का उत्पाद करने पर जोर दिया जाएगा गरीबों को 15 नवंबर से ग्रीन कार्ड पर एक रुपये प्रति किलो अनाज देगी सरकार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को राज्य सरकार ग्रीन राशन कार्ड बनाकर एक रुपये प्रति किलो अनाज देगी ग्रीन कार्ड में प्रति यूनिट व्यक्ति पाँच किलो अनाज मिलेगा बता दें कि 15 नवंबर से सरकार इस योजना को लागू करने जा रही है इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से वंचित ग्रामीण परिवार को ही मिलेगा बता दे कि इसके लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा जो 17 से 30 सितंबर तक तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकेगा पश्चिमी सिंहभूम में ट्रेन से कटकर हाथी की मौत पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर जलाई किला स्टेशन के बीच राय कापाट गाँव के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई बता दें कि यह घटना बुधवार देर रात की है जीआरपी सूत्रों के अनुसार मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग के डाउन लाइन में पोल संख्या तीन का बारह के समीप एक मालगाड़ी ने रेल लाइन पर हाथी को धक्का मार दिया जिससे मौके पर ही हाथी की मौत हो गई निजी स्कूलों से शिक्षा विभाग ने मांगी तीन माह में ली गई फीस की जानकारी शिक्षा विभाग ने राज्य के निजी स्कूलों से पिछले तीन माह में ली गई फीस की जानकारी मांगी है माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है साथ ही उन्हें 18 सितंबर तक उक्त जानकारी देने का निर्देश दिया है बता दें कि पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतम पाँच पाँच निजी विद्यालयों द्वारा पिछले तीन माह में विद्यार्थियों से ली गई ट्यूशन फीस तथा अन्य शुल्क की विस्तृत जानकारी निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए रोजगार के लिए अभियान चला रहे बेरोजगार युवा झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर रोजगार दिलाने के लिए बेरोजगार युवा इन दिनों सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं बता दें कि पाँच सितंबर से लगातार यह अभियान चल रहा है ट्विटर पर चल रहे इस अभियान में लाखों लोग जुटे हुए हैं युवाओं का मानना है कि हेमंत सरकार ने पाँच लाख नियुक्ति का वादा किया लेकिन यह धीरे धीरे फेल हो गया है सरना धर्म कोड लागू करने की मांग सरना धर्म कोड लागू करने समेत दस सूत्री मांग को लेकर बुधवार को प्रदेश जदयू व आदिवासी सेगेल अभियान की ओर से बिरसा चौक पर धरना दिया गया धरना का नेतृत्व प्रदेश जदयू अध्यक्ष स आदिवासी से गेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष साल खान मुर्मू ने किया उन्होंने कहा कि राज्य में झारखंडी जन भावना के साथ धोखेबाजी हो रही है राज्य में संताली मुख्यमंत्री राज्यपाल व भाजपा विधायक दल के नेता होने के बावजूद भी संताली भाषा को हिंदी के साथ प्रथम राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड में इक्कीस सितंबर से स्कूलों को खोलने पर उहापो बरकरार है राज्य के हाई और प्लस टू स्कूलों को छात्र छात्राओं को परामर्श देने के लिए खोला जाना है लेकिन परेशानी यह है कि अब तक शिक्षा विभाग की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग को स्कूल खोलने की अनुमति देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है बता दें कि कोरोना संकट के दौरान में जब तक आपदा प्रबंधन विभाग मंजूरी नहीं देगा तब तक छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं खोला जा सकेगा बाबूलाल मरांडी बोले सरकार की नीति को देखते हुए दुमका बेरमो सीट पर बीजेपी जीतेगी भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा बेरमो और दुमका दोनों सीट विधानसभा उपचुनाव में जीतेगी बुधवार देर शाम धनबाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में यह बात उन्होंने कही है डोमिसाइल और उन्नीस के खतियान पर मरांडी बोले कि स्थानीय नीति पर सरकार सिर्फ बोल रही है जब कुछ करेगी तो भाजपा अपनी बात रखेगी झारखंड में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में खाली पड़े पदों को सरकार जल्द भरेगी इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है इसमें बड़े पैमाने पर राज्य के युवाओं को मौका दिया जाएगा वे बुधवार को दुमका में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में यह बात रखे थे बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों की समीक्षा की गई बड़ी संख्या में पद पड़ खाली पड़े हैं उन्होंने कहा कि जे और जे को भी सुदृढ़ किया जाएगा दोनों आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा आई मैच में करोड़ों रुपए का सट्टा लग सकता है इसके लिए सट्टेबाज और पंटर पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं इसकी खबर जिला प्रशासन को मिली है बता दें कि गुरुवार को एसपी प्रभात कुमार ने इस मुद्दे पर विशेष हाई अलर्ट जारी किया है उन्होंने कहा है कि 19 सितंबर से इंडियन प्रीमियर लीग के मैच शुरू होने वाले हैं उन्हें लगातार सूचना मिल रही है कि जिले में सट्टेबाज सक्रिय हैं एसपी ने कहा है कि सट्टेबाजों की रीढ़ तोड़ने के लिए अभिभावकों और युवा पीढ़ी को जागरूक होना होगा सीबु सोरेन लौटे रांची मुख्यमंत्री ने खुद गाड़ी ड्राइव कर लाए घर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो सुप्रीमो सीबू सोरेन स्वस्थ होकर दिल्ली से रांची पहुंचे हैं बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें लेने रांची एयरपोर्ट पहुंचे उन्होंने खुद गाड़ी ड्राइव कर एयरपोर्ट से अपने आवास आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी बधाई झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है उन्होंने कहा है कि अपने नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने की दिशा में अग्रसर है हमारा देश शीघ्र ही महाशक्तिशाली बनने की ओर प्रयासरत है उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी है उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं झारखंड म्यूटूशन बिल का कांग्रेस ने किया विरोध कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में झारखंड म्यूटूशन बिल 2020 का खुलकर विरोध हुआ पार्टी के विधायकों ने इनमें कई खामियां गिनाई और इसे आदिवासी मूलवासी के खिलाफ बताया इसके बाद पार्टी ने इस बिल को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करने का निर्णय लिया और अगले चौबीस घंटा के अंदर इस पर फैसला ले लेने की बात कही है मधुमक्खियों के हमले से गढ़वा जिला के पति पत्नी की मौत झारखंड में गढ़वा जिला के डंडाई प्रखंड में मधुमक्खियों के हमले से गुरुवार को पति और पत्नी दोनों की मौत हो गई है बता दें कि घटना गुरुवार की करीब शाम चार बजे की है वहीं साथ में गई उर्मिला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई है सभी डंडई के जरही गांव के निवासी है जानकारी के अनुसार तीनों गुरुवार को जलावन के लिए लकड़ी चुनने जंगल गए थे सरकार बदली तो सारी योजनाएं बंद रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि एनडीए शासन के दौरान पिछले पंद्रह वर्ष में बिहार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं दास ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार बिहार के विकास से संबंधित कई योजनाएं चला रही हैं चाहे उज्ज्वला योजना हो चाहे गरीब को घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि हो या आयुष्मान भारत सभी योजनाएं गरीब के जीवन को बदलने के काम आ रही है राज्य में सरकार बदली तो सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी ऐसा झारखंड में हो चुका है उन्होंने झारखंड को उदाहरण देते हुए कहा स्वास्थ्य मंत्री ने हजारीबाग में निजी आरटीपीसीआर लैब का उद्घाटन किया राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने हजारीबाग कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल में श्रीनिवास सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के निजी आरटीपीसीआर लैब का उद्घाटन किया मंत्री ने कहा कि महामारी के नियंत्रण में यह आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा राज्यपाल ने लोक सेवा आयोग को विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की लंबित प्रोन्नति का शीघ्र निष्पादन का दिए निर्देश राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की लंबित प्रोन्नति के शीघ्र निष्पादन के निर्देश झारखंड लोक सेवा आयोग को दिए हैं उन्होंने गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी एवं सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रोन्नति की स्थिति की जानकारी ली उन्होंने सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिए हैं रोजगार सेवक की नियुक्ति की समीक्षा हुई रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने गुरुवार को मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवक की प्रक्रियाधीन नियुक्ति में परिणाम घोषणा से पूर्व समीक्षात्मक बैठक की इस क्रम में उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के निर्गत संकल्प में परिभाषित चयन की प्रक्रिया के अनुसार उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप मेधा सूची एवं रियल तैयार किया जाए धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों को व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर शेयर करें आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं थैंक यू